तो फ्रेंड्स फैम पे में अगर आपको किसी ने पैसे भेजे हैं और अगर आपका पैसा फंस गया है या फिर आपने किसी को भेजा और वहाँ पर भी पैसे फंस गया है, ना तो आपके पास आया है ना ही सामने वाले का अकाउंट में गया है, तो इसका क्या सोल्यूशन है और इसे आप कैसे बचोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना भेजने पर पैसा फंसेगा या नहीं फंसेगा, और अगर आपका पैसा फंस गया तो उसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ आप इस वीडियो में जानोगे पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले देखो आप लोग को मैं अपने इस चैनल पर लेके आ जाता हूँ और आज के इस वीडियो को मैं पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को यहाँ पर देखना है, सबसे पहले फैम पे आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप फैम पे ऐप को ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद आपको ध्यान देना कि आपका जो ये ऐप है बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन में होगा तभी यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है और कैसे है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि अगर आपका अकाउंट KYC किया हुआ है, मतलब आपने इसमें अगर मेंबरशिप ले रखा है, फिर तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसमें कितना भी पेमेंट करो, मतलब मंथली में आपको 2 लाख का लिमिट मिल जाता है और 1 लाख का लिमिट मिलता है, और डिपेंड करता है कि आपने कितने का ले रखा है। तो अगर आपने इसमें 299 या 399 का कुछ रहता है, अगर आपने वो लिया होगा तो आपको 1 लाख का मिलेगा, और यही अगर आपने 499 या 500 रुपये का लिया होगा तो आपको 2 लाख का लिमिट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ नॉर्मल यूज़ के लिए रखे हैं और ऐसे में अगर आपको चेक करना है कि आपको कितना यहाँ पर मतलब मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पर आपको अकाउंट वाले सेक्शन पे आ जाना है। अकाउंट वाले सेक्शन पे आओगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांजैक्शन लिमिट के नाम से, एक ऑप्शन आप ट्रांजैक्शन लिमिट पे जाना है आपको। और ट्रांजैक्शन लिमिट पे जाने के बाद यहाँ से आपको चेक करना है कि आपको कितने का लिमिट मिला हुआ है और आपने इसमें कितना यूज़ कर रखा है और आपको कितना रिमेनिंग बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसमें कोई भी अल्ट्रा मेंबरशिप नहीं ले रखा है, जिस वजह से मुझे मंथली लिमिट 10,000 का मिला हुआ है और 1 साल में मुझे 1,20,000 का मिला हुआ है। और इस तरह से अगर आप इस मंथ की बात करोगे मेरे इस फैम पे अकाउंट में, तो मैंने यहाँ से टोटल 8,000 रुपये का डिपॉजिट किया हुआ है, जिसमें से मेरे पास कुछ अमाउंट है जो कि मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे मतलब यूज़ कर सकता हूँ। तो जिस हिसाब से अगर मान लो कि आपको 10,000 का लिमिट मिला है और अगर आपने किसी को 10,000 का आपने यूज़ कर रखा होगा, जो कि आपको यहाँ पर आके चेक करना है, अगर आपने 10,000 का यहाँ पर यूज़ कर रखा है तो आपको यहाँ से फैम पे से कभी भी पैसे सेंड नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। अब अगर आपका पैसा फंस गया ऑलरेडी तब आपको क्या करना है, तो इन्हीं का एक सॉल्यूशन के लिए मैं देखो आपको मैं बता दूं, तो इसके लिए नीचे के साइड आना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का, मैं आपको ये ऑप्शन ढूंढ के मैं आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल वाले आइकन पर चले जाना है। प्रोफाइल वाले आइकन पर जैसे जाओगे तो नीचे के साइड जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फेक एंड सपोर्ट का, FAQs and support का। अब आपको क्या करना है, सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। मेरा थोड़ा नेट स्लो है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा यहाँ पे आप वेट करना। वेट करोगे तो देखो यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब इसमें से आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, माय अकाउंट, माय UPI ID का इशू विथ माय पेमेंट्स। अगर आपका पेमेंट्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अब यहाँ पर आप कर सकते हो, जिसे मैं इशू विथ माय पेमेंट्स के साथ कर लेता हूँ क्लिक। जैसे यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ से थोड़ा सा लोड लेगा, और लोड लेने के बाद यहाँ से जो मेरा प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, इन 4 में से भी आपको ध्यान देना है। तो पहला ही ऑप्शन का इसका ये मतलब है कि आई हैव एन इशू विथ माई एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, आई एम अनेबल टू मेक अ ट्रांजेक्शन, आई डिड नॉट रिसीव द मनी सेंड टू मी, अनेबल टू ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम IDFC अकाउंट। अब ये जो 4 प्रॉब्लम, इसमें से हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने जो यहाँ से पैसा सेंड किया था वो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिंपली सा बैक होना है। मैं आपको एक ईमेल आईडी जो कि आप साइड में देख सकते हो या फिर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मैं दे दूंगा, जिसमें आपको जाके कंप्लेन करना है। अब कंप्लेन करने के लिए क्या करना है, देखो जीमेल पे मैं आके आपको दिखा देता हूँ और यहाँ से मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ उनका क्या अकाउंट है। तो देखो फैम पे ऐप पे यहाँ पे आ जाते हैं, और फैम पे ऐप में आने के बाद यहाँ से आपको देखना एक जीमेल आईडी देखने को मिलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी देखने को मिला, support@fampay.in। अब आपको क्या करना है, सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो उनका नाम आ जाता है शक्ति आनंद सिंह के नाम से। आपको सब्जेक्ट डाल देना अगर आपका जो भी प्रॉब्लम है, मान लो कि आपका ट्रांजेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो ट्रांजेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, और उसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आपको यहाँ पर सिंपली से आपको एक्सप्लेन कर देना, और एक्सप्लेन करने के बाद आपको सेंड कर देना है। विद इन 24 आवर्स के अंदर ये आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दिया जाएगा। बट फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आना है, आपको देखने को मिल जाएगा प्रिनीत राज ऑफिशियल के नाम से। और यहीं पर आने के बाद आपको हमारे इस अबाउट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक बोर्ड देखने को मिलेगा, इस बोर्ड पर जाके आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हो और जो भी आपका प्रॉब्लम है आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स बाकी की बात करेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।